तो स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई स्कारफॉल की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि भाई इस तरह की वीडियो चैनल के ऊपर आती रहती है, जहां पे तुम्हें मैं बहुत सारे टॉपिक गेमिंग से रिलेटेड है जो कवर करता हूं। अगर तुम्हारे मन में भी कोई सवाल है भाई, कुछ आप तुम पूछना चाहते हो, या भाई किसी टॉपिक के ऊपर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं या अपना रिव्यू दूं, तो भाई कमेंट करके मुझे इस बारे में जरूर बता सकते हो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले स्कारफॉल के अंदर कुछ हैकर वगैरह की प्रॉब्लम चल रही थी उसके ऊपर बात करने वाले हैं, और भाई ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कारफॉल 2.0 के बारे में। तो देखो स्कारफॉल 2.0 100% जो है वो इंडियन बैटल रॉयल है। तो स्कारफॉल 2.0 भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम हो जाता है भाई हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि देखो ये गेम इंडिया में बना है, इंडियन डेवलपर इसको बना रहे हैं, इसका भाई कहीं से कोई लिंक वगैरह नहीं है, ये जो लोग हैं अपना आप ही कुछ सारा काम कर रहे हैं। तो जो भी भाई इंडियन गेमर है जो ये चाह रहे थे कि भाई इंडिया में भी कोई बैटल रॉयल बने, फ्री फायर, पबजी लाइट या BGMI जैसा, जो भाई हमको जो है इंडिया का फील दे, जो हमारा इंडिया का नाम भाई दुनिया में जाके रोशन करे, जिसके बहुत सारे डाउनलोड हो, जिसके अंदर हमें भाई कंटेंट क्रिएशन का मौका मिले, हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, ई स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिले। तो अगर सारी चीज़ें अभी देखी जाए इंडिया में जो चल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो स्कारफॉल अभी काफ़ी अच्छी जगह पे जो है वो स्टैंड करता है। अभी ये गेम जो है भाई अल्फा में है, और अल्फा के अंदर भी ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसके भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यू हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं भाई इंडियन गेमिंग आगे ग्रो करे, उनके लिए देखो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई हैकर्स की। तो अभी कुछ दिन पहले भाई स्कारफॉल के अंदर मैं भी मैच खेल रहा था, तो मुझे भी एक हैकर का सामना हुआ, और कुछ और भी कंटेंट क्रिएटर हैं तो उनको भी भाई स्कारफॉल के अंदर एक हैकर वगैरह देखने को मिला। अभी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार गेम के अंदर हैकर वगैरह आ गए हैं, क्या ये गेम भाई हैकर्स वगैरह को बैन करने के लिए कुछ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इस चीज के रिगार्डिंगली वैसे हैकर वाला जो मुद्दा है ये काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि भाई जिस गेम के अंदर भी भाई हैकर आने शुरू हो जाते हैं उस गेम की भाई बैन बच जाती है। BGMI लगा लो, पबजी लाइट लगा लो, अभी तो मैंने सुना फ्री फायर के अंदर भी हैकर आ रहे हैं, और भी बहुत सारे गेम है जो भाई हैकर है ना वो भाई गेम को खराब कर देते हैं। क्योंकि देखो अगर किसी भी गेम का कोई हैक हो रहा है तो बाद में उसके हैक बिकते भी हैं और उसके बाद उनकी कमाई भी होती है। तो ये सारी चीजें डेवलपर के लिए देखो सरदर्दी है। तो जो गेम डेवलपर होते हैं वो भाई 100% तो इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन भाई काफी हद तक वो इस चीज को भाई काबू कर सकते हैं। अभी स्कारफॉल के अंदर लोग हैक क्यों लगा पा रहे हैं उसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूं। तो अभी जो स्कारफॉल है वो भाई चल रहा है अल्फा स्टेज में, मतलब उसके अंदर जो कमियां है उसको पूरा कर रहे हैं। रही बात भाई स्कारफॉल के अंदर हैक लगाने की, तो फिलहाल अभी के लिए स्कारफॉल वालों ने अपना कोई भी एंट्री चीज सिस्टम वगैरह जो है अभी ऑन नहीं किया है, अभी गेम जो है भाई नॉर्मली चल रहा है। तो इस रीजन की वजह से तुम्हें भाई ऐसे हैक वगैरह गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लोग भी भाई इस चीज से परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि स्कारफॉल जब स्टार्टिंग में आया था नया, तो भाई उसके अंदर भी लोग हैक लगाते थे जब वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों खेल सकते थे। तो उसमें भी कोई बंदा था भाई कहीं दूसरी कंट्री का, वो हैक लगा के हैक वगैरह बेचता था। तो उसके बाद भाई स्कारफॉल वालों ने उस चीज को फिक्स कर दिया। अभी वो हैक को किस तरह से फिक्स करते हैं कि जो सर्वर पे जो वैल्यू है, स्पीड वगैरह, बुलेट की, ये सारी वैल्यू लोग जो है भाई गेम के अंदर चेंज कर देते हैं, उसके बाद जो है तुम इजीली हैक कर सकते हो। लेकिन अगर फ्यूचर में आने वाले टाइम में स्कारफॉल वाले मुझे लग रहा है कि इसको भी भाई सेट कर देंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत वगैरह नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो सर्वर के अंदर ही सारी वैल्यू डाल देंगे, जो कि तुम्हारे फोन के अंदर जो वैल्यू होगी वो भाई सर्वर से जाके भाई अप्रूव होगी, उसके बाद ही तुम भाई गेम को खेल पाओगे, या फिर तुम्हारा डिटेक्ट हो पाएगा कि तुम्हारा गेम की जो फाइलें हैं वो नॉर्मल है या फिर तुमने हैक वगैरह लगाया है। तो ऐसा इन्होंने भाई स्कारफॉल के अंदर भी किया था, तो काफी हद तक वहां पे इन्होंने इस चीज को सॉल्व भी कर दिया था। क्योंकि एक बंदा जो हैक लगा रहा है वो बार बार भाई हैक लगाएगा बैन होएगा, हैक लगाएगा बैन होएगा, तो ऑब्वियसली बात है यार वो भी परेशान हो जाएगा। तो भाई तुम लोगों को स्कारफॉल को लेकर इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई एक तरह से देखा जाए तो ये मुझे लगता है कि अच्छी भी चीज है, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है बहुत कंपनियों के बीच में कि हमारा गेम खेलो। और उसके पीछे देखो डर्टी बिजनेस भी होगा कि कोई कुछ भी करेगा यार इस गेम को बदनाम करने के लिए, इस गेम के साथ कुछ गलत चीजें करने के लिए। तो अगर स्कारफॉल के अंदर अभी इसी स्टेज पे जब ये गेम अल्फा में है तो हैकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई स्कारफॉल जो है बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। क्योंकि देखो अगर कोई भी भाई गेम बहुत अच्छा होता है या फिर वो गेम फ्यूचर में उसके अंदर काफी सारा पोटेंशियल वगैरह होता है, तो ऑब्वियसली बात है यार हैकर उसको टारगेट करते ही हैं, उसके हैक भी बना के बेचते ही हैं। BGMI की बात कर लो उसके अंदर भी हैक है, उसके बाद बात कर लो तुम PUBG लाइट के अंदर तो चल ही रहा है, उसके बाद फ्री फायर के अंदर भी आ गया, मतलब बहुत सारी ऐसी गेम है जिनका मार्केट बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर भाई हैक भी लगते हैं और उसके भाई हैक भी बिकते हैं। तो इंडिया में भी बहुत सारे गेम लॉन्च होने वाले हैं, तो ये प्रॉब्लम तुम्हें जो है स्कारफॉल में भी नहीं और भी अदर गेम्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। अभी जैसे इंडस बैटल रॉयल भी लॉन्च हुआ है उसके अंदर देखो ये प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं आ रही है। यह कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो, उसके लिए गेम भी तो चलना चाहिए। तो ये हैक वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हैक लग रहा है, इसका मतलब ये है कि गेम जो है भाई सही रास्ते पे जा रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो मैं तुम सबको भाई बोलना चाहूंगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखो यार मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, एज ए ट्रू गेमर अगर तुम चाहते हो कि भाई इंडियन गेमिंग जो है भाई ग्रो करे, इंडिया का कोई गेम भाई बहुत ज्यादा ग्रो करे, तो तुमको इस चीज में देखो डेवलपर की भी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये चीज अजीब लगेगी, लेकिन बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे।
तो भाई तुम ही लोग हो, तुम्हारी ही पावर है जो तुम किसी गेम को खड़ा कर सकते हो, किसी गेम को डुबा सकते हो। स्कारफॉल की बात करें तो वो भाई काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर तुम लोग भी मानते हो कि स्कारफॉल भाई अच्छा काम कर रहा है, वो आगे ग्रो होना चाहिए, तो तुम लोगों को भाई डेवलपर की हेल्प करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें इस तरह से लगता है कि कोई बंदा हैक बेच रहा है या फिर कोई बंदा हैक कर रहा है, कोई बंदा तुम्हें कह रहा है कि यार तुम भी लगा के देखो कैसा है, तो भाई ये चीज़ मत करना। क्योंकि ये चीज़ करने से पहले एक चीज़ हमेशा सोच लेना कि ये जो गेम है ये भाई इंडिया का गेम है, इंडियन डेवलपर बना रहे हैं, मेहनत करके वो इस गेम को बना रहे हैं, और अगर कोई दूसरा बंदा उनकी मेहनत पे भाई पानी फेरने की कोशिश कर रहा है तो भाई ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि अगर तुम चाहते हो इंडियन गेमिंग ग्रो हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है भाई उसको रोकना। यहाँ पे मैं सिर्फ स्कारफॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी इंडियन गेम्स की बात कर रहा हूँ जो भाई अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके डेवलपर भाई बहुत हार्ड वर्किंग काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि एज ए इंडियन गेमर तुमको भाई ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। तुम भाई किसी भी तरह की कोई गलत एक्टिविटी में शामिल वगैरह मत होना, क्योंकि भाई उसमें शामिल होने से पहले ये देख लेना कि भाई इस तरह के गेम जो है ना हमारे इंडिया का नाम रोशन करेंगे। और अगर भाई तुम अपने देश से प्यार करते हो तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है यार इंडियन गेम को सपोर्ट करना चाहिए, जो अच्छे गेम है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भाई अच्छे गेम है जिनका तुम्हें लगता है कि हाँ ये गेम अच्छे हैं। तो कुछ भी इसी तरह की तुम्हें चीज़ें वगैरह दिखाई दे तो तुम इनके डेवलपर से भाई डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है तो तुम जो इसके भाई कंटेंट क्रिएशन करते हैं उनके साथ भी भाई कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन पता है जो भाई डेवलपर तक पहुँच सके और वो जो अपनी गेम को है बिल्कुल अच्छे तरह से चला सके। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप सो तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपना एंटी चीट सिस्टम ऑन नहीं किया, जब वो ऑन कर देंगे तो ये प्रॉब्लम भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मुझे क्यों तोड़ा?